हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। वेलकम टू न्यू व्लॉग। और शाम का वक्त हो रहा है आज, तो क्योंकि सुबह एक शूट था और अभी फिर से मैं जा रहा हूँ एक काम से। तो काम तो ये होने वाला है कि काफ़ी टाइम हो गया था मेरे को इस पर जो अपने इंस्टाग्राम नेम का हैंडल वगैरह कुछ स्टिकरिंग वगैरह करवानी थी, तो वो था और वो करवाना था मेरे को बाइक पे। वो करवाने मैं अभी जा रहा हूँ फ़िलहाल मानसरोवर, और मेरे साथ चल रहा है अभी विशाल। तो मैं फटाफट विशाल के पास जा रहा हूँ, वो अपनी शॉप पे है वहाँ पे, तो वहाँ से उसको लेके चलेंगे। वो भी कुछ लेमिनेशन वगैरह करवाएगा, इंस्टाग्राम हैंडल वगैरह नाम वगैरह लिखवाएगा उस पर, तो दोनों चलते हैं भाई। उसने बोला संडे तो फ्री है तो चलते हैं। बाकी मेरा सुबह शूट था तो मैं शूट पे चला गया था, और काफ़ी टाइम हो गया मेरे व्लॉग आए हुए, तो अब आपको जो कंटिन्यू व्लॉग मिलते रहेंगे, कि थोड़ा सा मैं बिजी था इस टाइम पर, तो 10-15 दिन का गैप लग गया एक्चुअली व्लॉग के अंदर, तो अब से आपको कंटिन्यू व्लॉग मिलते रहेंगे। और भाई यहाँ पर तो जाम लग रखा है भाई, अब शाम शाम के टाइम पे ये दिक्कत है यार। आगे पुलिया का काम चल रहा है ना बागरोटा में, तो जाम मिल ही जाता आपको अक्सर यहाँ पे सुबह शाम के टाइम पे। तो भाई विशाल हो गया अपना रेडी। तो भाई सुबह से मतलब इतना वो बिजी था मैं, कि अभी मेरे आंखों में से नींद सी आ रही है मुझे, क्योंकि मैं सुबह जल्दी उठ गया था, फिर मेरे को शूट पे जाना था। शूट पे गया, शूट पे से आके नहा धो के खाना खा के वापस आ गया भाई। देख रहे हो यार कितना स्ट्रगल करना पड़ रहा है। तो विशाल अपने जो टैंक है उस पर करवाएगा पूरा फुल लेमिनेशन, और कुछ छोटे मोटे स्टिकरिंग वगैरह वो भी करवाएगा, और अपन ज़्यादा कुछ नहीं करवाएंगे अभी। लेमिनेशन का अभी मेरा कोई विचार नहीं है, अभी मैं फ़िलहाल कराऊँगा ओनली जो अपना इंस्टाग्राम का नाम वगैरह हैंडल है वो लिखवाऊँगा। एक सोच रहा हूँ यहाँ पर लिखवा लूँ फ्रंट पर, और एक जो अपने हेलमेट के ऊपर वाइजर आता है ना उस पर लिखवा लूँ, और थोड़ा सा एक साइड में दिख रहा है मेरे को जो अपना लेग पोजीशन होती है वहाँ पे करवाने का सोच रहा हूँ मैं। भाई ये कीचड़ में यार मेरे को बहुत दुख होता है, कि सुबह सुबह मैंने बाइक धोई थी एकदम चकाच दिख रही होगी आप आज को क्लीन एकदम पूरा, क्योंकि मैंने सुबह भाई पूरी मेहनत करके धोई थी आज। ये जो कीचड़ वाली जगह ना यार, यहाँ पूरी बाइक की मतलब ऐसी की तैसी हो जाती है। कोई बात नहीं, फिर धो लेंगे, लेकिन यहाँ पे यार आई थिंक जाम मिलता है यार, आज ना मिले बस बहुत लेट हो जाएगा, क्योंकि मेरे को एक काम और करना है, इसके अलावा एक और काम है मेरा वो भी करना है मेरे को, तो ये काम में से जल्दी नहीं पड़ जाऊँगा तो वो काम जल्दी हो जाएगा भाई मेरा। तो भाई ने एग्जॉस्ट तो चेंज नहीं करवा रखा, इसलिए बहुत ही सही है, नहीं बुलेट के पीछे चल के तो व्लॉग कर ही नहीं सकते, फिर वो फट 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 आवाज़ आती रहती है ना उसमें। और सनसेट हो ही जाएगा पीछे, सनरेज आप देख रहे हो कितनी मतलब तीखी पड़ रही है सामने से। डेस्टिनेशन पे आ ही गया हूँ, और यहाँ से थोड़ा सा दूर हो बचा है, देखते हैं वहाँ पे कौन सा फ़ोन अच्छा लगता है वहीं पे जाके पता करेंगे। और भाई विशाल पता नहीं कहाँ से किधर से निकल के वो पहुँच गया पहले, तो मैंने कॉल की थी जैसे वेट कर रहा था मैं कहाँ रह गया, पता चला कि वो पहुँच गया डेस्टिनेशन पर, पता नहीं कौन सा शॉर्ट कर लिया भाई उसने। तो बस अपन ही पहुँच ही गए अपने लोकेशन के ऊपर। अपना इंस्टाग्राम और यूट्यूब का दोनों का अपना जो नाम का फ़ोन था वो गया सिलेक्ट, कुछ अपने भाई लोग गए अपन से मिलने के लिए। तो गाइस हेलो, यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर देना, फॉलो करना भाई को एमटी राइडर रजत। तो ये बाइक देख के अपने आ गए यहाँ पे और इसको पता नहीं क्या सब्सक्राइबर है हमारे, तो ये मेरे को दूर से पहचान गए, दे दिया, और अब बस सब्सक्राइब कर लेना अपना चैनल। और अपने भाई बीच वहाँ पे खड़ी है, ये देखो अपनी क्या लग रही प्यारी, तो अपना स्टिकर चिपक रहा है, ये देखो इंस्टाग्राम जा रहा है। बहुत ही अत्यंत मुश्किलों के बाद में ये वाला शुभ घड़ी आई है, जब मैं अपना लोग इंस्टाग्राम लोगों अपनी बाइक पे चिपका रहा हूँ। और ये किसकी वजह से आई उसको, ये लौंडा है, ये लौंडे की वजह से भाई, मेहनत देख रहे हो, सब्सक्राइबर देखो मेरे सब्सक्राइबर कैसे घूम रहे बाहर,
और ये चिपक गया भाई यहाँ पे। कैसा लग रहा है यार? अच्छा लग रहा है। बता भाई कैसा लग रहा है? पहले बोल रहा था ना सही लग रहा है कि नहीं लग रहा? देख ले भाई, माइंड ब्लोइंग काम किया भाई, माइंड ब्लोइंग फैंटास्टिक। नेक्स्ट चिपकाएंगे वो यहाँ चिपकाएंगे, यूट्यूब वाला यहाँ पे होगा अपना। बस ये दो ही करवा रहे फिलहाल तो, और एक हेलमेट का भी सोचा है जो ब्लैक वाइजर लेंगे ना उसके साथ में यहाँ पे चिपकाएंगे उसको। अभी वाइट का वाइजर ब्लैक लेंगे तब उस पर चिपकाएंगे, बाकी बनवा के यहाँ से ले चलेंगे तो जब ब्लैक वाइजर आएगा उस पर चिपका लेंगे। और बाइक करवाने वाला फुल टैंक का लेमिनेशन साथ में पैनल का, तो दोनों का होगा। इसके इंस्टाग्राम आईडी में आपको डिस्क्रिप्शन नहीं मिलेगी, ये आपको खुद ढूंढ लेना, मैं कहीं नहीं डालूंगा इसका इंस्टाग्राम। अगर आप इससे प्यार करते हो तो खुद ढूंढ लेना अगर सच्चा वाला प्यार है। पैसे वालों का लोगो है ये, लौंडे का लोगो है, सरकारी पुलिस वाला ऑफिसर है, तो कभी चालान वाला ना हो तो भाई को बोल देना, फुल सपोर्ट करेगा ये। नियमों से चलना, रूल फॉलो करने ट्रैफिक के, तो फिर क्या मतलब है ऐसे दोस्तों का राज हाथ में रखने का? लोगो देखो, लोगो देखो, डी ग्रेड वाले तो इनपे हेलमेट है भाई साहब। ये देखो पुलिस वाले का नियम फॉलो कर रहा है, इसमें मार्का कहाँ है? हेलमेट की कंडीशन देखो, ये इसमें सेफ है कि बिल्कुल भी? मार्का इसने अभी भी प्रिंट प्रिंट करवा के चिपका है इसने, यहीं से लेमिनेशन करवा के गया था। और बाइक की शॉप का नाम आपको दिखा देता हूँ, बाइक स्टिकर सीट रिपेयर नाम से कुछ है। तो ये जो आपका सोनपत चौराहा है ना, वहाँ पे है मानसरोवर में, तो आप लोग आ सकते हो, भाई बढ़िया काम करता है। और अभी जो YouTube का लोगो है वो चिपकाने वाला है, फिर देखते हैं। राउंड से क्या ना पूरा भाई, ये देखो जो फाइनल लुक है वो आ चुका है भाई। ठीक लग रही है ना? सही लग रहा है। देखो आप कैसा लगता है। तो भाई अपनी बाइक एकदम रेडी हो चुकी है, तो वो लोग को यहीं यानी करते हैं। और आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना, अपने चैनल को सब्सक्राइब करना, अपने इंस्टाग्राम हैंडल फॉलो कर लो एमटी राइडर जे के नाम से। और आपको मिलता हूँ नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय।